നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഓസ്കാർ മേളകളുടെ ഭാഗമായി 51,000-ലധികം പേർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്പസമയത്തിനകം നിയമനക്കത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യും പുതുതായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं मेरे परिवारजनों आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत इस दशक में टॉप थ्री अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है साथियों किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई आज ये इंडस्ट्री 4,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10,00,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी अब ये രാജ്യത്തുടനീളം 45 സ്ഥലങ്ങളിലായാണ് ഓസ്കാർ മേള നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സായുധ പോലീസ് സേനകളിലും നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയിലും ഡൽഹി പോലീസിലും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനം ലഭിക്കും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഓസ്കാർ മേളകൾ യുവജനങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനും രാഷ്ട്രവികസനത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കാനും ഓസ്കാർ മേളകളിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു और ऑटो कंपोनेंट्स തിരുവനന്തപുരം പള്ളിപ്പുറത്ത് സിആർപിഎഫ് ഗ്രൂപ്പ് സെന്ററിൽ നടന്ന ഓസ്കാർ മേളയിൽ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഡോക്ടർ എൽ മുരുകൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആനേ വാലേ വർഷോ മേ ഇസ്കേ ഓർ ബഡനേ കി ഉമ്മീദ് ഹൈ ഇസ് ഗ്രോത്ത് കോ സംഭാൽനേ കി ലിയേ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवकों की जरूरत होगी नए लोगों की जरूरत पड़ेगी रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे आपने देखा होगा कि इन दिनों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्व की भी काफी चर्चा होती है भारत का फूड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल करीब करीब 26,00,000 करोड़ रुपए का था अब अगले 3-3.5 साल में ये सेक्टर करीब 35,00,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा यानी
जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी, उतने नए रोजगार के मौके खुल जाएंगे। साथियों, भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। इससे देश भर में कनेक्टिविटी का विस्तार तो हो ही रहा है, इसने पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नई संभावनाओं को जन्म दिया है और नई संभावनाओं का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनते जा रहे हैं। साथियों, 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। इन सारे उदाहरणों से आप समझ कर सकते हैं कि भारत का विकास सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, इस विकास का भारत के हर नागरिक के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं और इससे आय में बढ़ोतरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुनिश्चित हो रही है। हम परिवार में भी देखते हैं ना, अगर हम किसान हैं, अच्छी फसल हुई, ज्यादा फसल हुई, अच्छे दाम मिले तो घर के अंदर कैसे रौनक आ जाती है, कपड़े नए आते हैं, बाहर जाने का मन करता है, नई चीजें खरीदने का मन करता है। घर की अगर आय बढ़ी तो घर के लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है। जैसे परिवार में है ना, देश में भी वैसा ही है। जैसे देश की आय बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है, देश में संपत्ति बढ़ती है तो देश के नागरिकों का जीवन संपन्न बनना शुरू हो जाता है। साथियों, पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया, ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है और प्रोडक्शन के लिए जो नए नौजवान लगे उसके कारण रोजगार भी बढ़ा है और स्वाभाविक है इसके कारण परिवार की आय भी बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। देश में मोबाइल फोन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सरकार के प्रयासों ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को भी कई गुना बढ़ा दिया। प्रधान वार्ता के लिए 12 मणिक्कु नमस्कार।